फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं एक ऐसी ही छोटी सी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे कैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, मतलब कोई खुद का कंटेंट नहीं रखते कोई भी, और किसी किसी की वीडियो पर जाते हैं और उनकी वीडियो पर देखते हैं कि उनके घर में क्या हो रहा है, उन्होंने किस तरह का टाइटल डाला हुआ है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें। और फिर वहाँ से टाइटल और जो भी चीज़ें हैं वीडियो की, कोई महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है उनको वहां से चुरा कर फिर अपने चैनल पे आके वीडियो बना रहे हैं, और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। बताओ, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वहां पे कमेंट कर रहे हैं। तो मतलब मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जब कोई भी यूट्यूबर है तो खुद का कंटेंट रखता है अगर उसके पास है, या फिर खुद की कोई जानकारी है, कोई भी चीज़ है, तो वो तो शेयर कर सकता है। ये क्या हुआ कि किसी की वीडियो पे जाए और वहां से कोई चीज़ चोरी करे फिर अपने चैनल पे डाले, तो ये तो चोरों वाली बात हो गई। और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। मैं मानती हूँ कि मैंने भी इस तरह की एक दो वीडियो बनाई है, बट मैंने उस तरह की कोई वो नहीं की कि उनके चैनल पे गई और वहाँ से कोई चीज़ चुराई। मतलब किसी की अच्छाई के बारे में आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन ये नहीं है आप हर एक जगह किसी की बेइज्जती करो या उनकी जो घर की स्टोरी है, कोई भी उनकी वीडियो से रिलेटेड चीज़ है वो अपने वीडियो पर ला के आप शेयर करो, तो ये कोई चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल वीडियो पे, मतलब यूट्यूब पे, खुद का कुछ नहीं रखते, उसने ये कर दिया, उसको खाना बनाना नहीं आता, उसके घर में लड़ाई हो गई, उसके पति के साथ झगड़ा हो गया, उसके सास के साथ हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें बताओ जिसमें कोई तरह किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। आप कोई भी वीडियो डालते हो तो नॉलेज रिलेटेड डालो ताकि लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले। ये किसने बताया कि आप कुछ भी चीज़ डाल रहे हो उसमें उल्ट, क्योंकि उस वीडियो को बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, कोई भी, मतलब नहीं पता आपको कि आपकी वीडियो को कौन कौन देखता है, लेकिन गलत असर पड़ता है। इस तरह की चीज़ें डालकर आप लोगों को क्या सिखाओगे ये बताओ पहले तो। अगर आप खाना बनाना सिखा रहे हो या कोई और चीज़ सिखा रहे हो, कोई अच्छी चीज़ सिखा रहे हो, कोई अच्छी मैनर सिखा रहे हो, तो उससे तो वीडियो देखने का फायदा है। और ये एवं अपनी वीडियो पे गंद डाल रहे हो, टाइटल में कुछ लिख रखा है, थंबनेल में कुछ लगा रखा है, और वीडियो में कुछ और ही होता है, और फिर भी लोग उनको ओपन करेंगे, जाएंगे, व्यूज़ देंगे उनको। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐप पता। और बहुत ज़्यादा देखी मैंने, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो मत डालो, डालो आप, लेकिन उसमें कोई नॉलेज तो होनी चाहिए। बस जिसको जैसा आता है, खाना बनाना आता है, नहीं आता है, कुछ भी है, वो अपने घर में है, उनके घर वाले भुगते। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें हैं, मतलब मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ ऐसी वीडियो लोग डाल रहे हैं और अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो कई इस, पता है क्या है, यूट्यूब पे दो तरह के लोग हैं, दो तरह के यूट्यूबर है, लोग नहीं कहूँगी यूट्यूबर कहूँगी। एक तो वो यूट्यूबर है जो सिर्फ अपनी ही सिंपल सी लाइफ को शेयर करते हैं, जो उनके पास नॉलेज है वो शेयर करते हैं, इधर उधर की ताक झाक नहीं करते हैं, ना किसी से कुछ लेना, कोई अपनी वीडियो में कुछ डाल ले चाहे किसी के घर में कुछ हो, वो सिर्फ अपने से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं। और एक यूट्यूबर वो है जिनका खुद का कुछ नहीं है बिल्कुल, जो उनकी नॉलेज है वो 0% है, और इधर उधर झांकते रहते हैं एक दूसरे की वीडियो में, वहां से कोई चीज़ चोरी करके फिर अपने चैनल पर डालते हैं। तो दो तरह के यूट्यूबर है, तो आप जो भी लोग देखते हो तो आप ही डिसाइड कीजिए आप किस तरह के हो। तो जो यूट्यूबर इस तरह के हैं, दूसरों की वीडियो से कोई चीज़ चोरी करके डालते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वो लोग कैसे लगते हैं। और जो लोग खुद की सिंपल सी लाइफ शेयर कर रहे हैं, डेली व्लॉग डाल रहे हैं, बिल्कुल कोई मतलब उसमें एक दूसरे की कोई चीज़ चोरी की हुई नहीं डाल रहे हैं, अपनी सिंपल सी लाइफ शेयर करते हैं, वहाँ पे लोग व्यूज़ कम देख रहे हैं, उन चीज़ों को ओपन ही नहीं करते वीडियो को। और जो ऐसे टाइटल डालते हैं चटपटे, बिल्कुल ही उसने ये कर दिया, उनके घर में ये हो गया, ये हो गया, और जबकि उस टाइटल से रिलेटेड वीडियो में कोई चीज़ नहीं होती, तो उन लोगों को आप खुद ही देखिए कि वो किस तरह की वीडियो डाल रहे हैं, किस तरह आपको पागल बना रहे हैं। मतलब टाइटल कुछ डाल देते हैं, थंबनेल कुछ लगा देते हैं, और वीडियो में कुछ और ही होता है, तो वो एक तरफ से, एक तरह से वो लोग आपको पागल बना रहे हैं। तो आप बताइए आप किस तरह के यूट्यूबर को पसंद करोगे, उस तरह के यूट्यूबर को जो दूसरों की चीज़ें चोरी करके डालते हैं अपनी वीडियो पे, और या उसको जो सिंपल सी लाइफ डेली आप लोगों के साथ बिना किसी छल कपट के शेयर करते हैं, तो उनको पसंद करोगे या उनको? तो ये चीज़ आप लोगों के हाथ में है कि आप किन को व्यूज़ देना पसंद करते हो। वैसे ज़्यादातर आजकल लोग ऐसे जो होते हैं ना झूठे तरह के लोग, उनकी वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी नॉलेज में, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे देखे हैं जो झूठ बोल बोल के एक दूसरे की बुराई कर करके वीडियो बना रहे हैं, उनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। बट मैं तो इस तरह की कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी। एक दो बार मैंने बनाई है, बट इस तरह की नहीं बनाई है, और आगे से मैं बनाऊंगी भी नहीं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कौन से यूट्यूबर पसंद है, इस तरह के या फिर उस तरह के। तो यही जानकारी थी, मैं काफ़ी दिन से इतना परेशान हो रही थी कि जो लोग डेली अपनी सिंपल सी लाइफ शेयर कर रहे हैं उनको आप व्यूज़ नहीं दे रहे हो, और जो इस तरह की चोरी करके चीज़ें डाल रहे हैं ना एक दूसरे की वीडियो से, उनको आप व्यूज़ दे रहे हो। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था ये चीज़ें, और मुझे बहुत बुरा भी लगा। मैंने कहा लोग कैसे हैं बताओ, उनको एक तो पागल बनाया जा रहा है, ऊपर से फिर किसी के घर में कुछ हो आपको क्या लेना देना है, वो अपना आप उनका मैटर है ना, उनको ना ही आप उनके घर जाके उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, ना ही उस चीज़ से कोई नॉलेज मिल रही है किसी को। तो ऐसी चीज़ शेयर क्यों करते हो जिनसे कोई नॉलेज ही ना मिले जिस चीज़ से? नहीं, अपनी चीज़ शेयर करो, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्ची चीज़ें शेयर करो, एक दूसरे की नहीं चुरा चुरा की चीज़ें डाल दो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं बंद, क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने फ़ैन भी ओपन नहीं किया क्योंकि फ़ैन थोड़ी आवाज़ करता है,
तो उससे मेरी आवाज़ है वो क्लियर नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए मैंने ना फ़ोन मतलब फ़ैन चला रखा है, और दूसरे रूम में एसी चल रहा था तो वहाँ पे मैं गई नहीं, बच्चों ने टीवी है वो चला रखा था। तो ये छोटी सी जो वीडियो थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी वीडियो जानकारी जो भी आपको पसंद आई, पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि तब भी मैं कोई अपनी सिंपल सी जो लाइफ है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, डेली नहीं कर पाती क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, लेकिन एक दो दिन के बीच बीच में मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको वो पसंद आती है वीडियो, आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जो कमियां बताएं ताकि मैं उनमें आगे से सुधार कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं बंद और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।